क्या चीज समझाई जा रही है आज ये? उम्मीद नाम से मेडिकल के लिए जो कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा दी जाती है रेलवे अस्पतालों में, वो नया कार्ड एक बनाने का काम कर रहा है जो स्मार्ट कार्ड के रूप में काम करेगा। इस कार्ड की खूबसूरती यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में कहीं भी वो जाएगा तो उस कार्ड के अंदर एक चिप लगी हुई है, जो चिप में उसका पूरा ब्यौरा है कार्ड के अंदर उस कर्मचारी का, और उसके परिवार के लिए अलग व्यवस्था की है। उसके कलर कोडिंग अलग है, बच्चों के लिए, मिसेज के लिए और भाई बहनों के लिए, सबके लिए अलग अलग सुविधाएँ हैं। पहले ये एक ही कार्ड के अंदर सबकी फ़ोटो लग करके एक मेडिकल कार्ड बनता था और केवल जहां वो रजिस्टर्ड होता था, अजमेर का है तो अजमेर में उसको इलाज मिलता था, दूसरी जगह इलाज नहीं मिलता था। ये कार्ड जारी होने के बाद अब एम्प्लॉय का बच्चा अगर बाहर पढ़ रहा है तो वो अपने मेडिकल कार्ड को खुद को ले जा सकता है, उसमें पूरी फैमिली का ज़रूरत नहीं है, उसकी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी, चिप लगी हुई है। तो इससे ये फ़ायदा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्मचारी और उसका परिवार यदि कहीं घूमने भी गया हुआ है या कहीं पढ़ रहा है तो उसको वहीं की वहीं अगर बीमार हो गया तो सुविधा मिलने का काम हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कदम रेलवे ने उठाया है। काफ़ी दिनों से इसके लिए हम लोग मांग कर रहे थे। पिछले दिनों हमने जनरल मैनेजर की PNM में ये मांग रखी थी, जिसमें एक फ़ोटो स्टेट अलाउ की थी कि भाई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो फ़ोटो स्टेट उसको दे दी जाए, जो कि ऑथराइज हो। लेकिन ये कार्ड बनने के बाद ये सारी जो व्यवस्थाएँ इसमें सुधार होने का काम हो जाएगा। पहले बहुत समस्या आती थी, अब समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा इस कार्ड बनने के बाद।